अपने इंडिया में कैसे पानी पूरी के लिए लाइन लगती है भाई, वैसी लाइन यहाँ लगी हुई है पानी पूरी चाट वगैरह के लिए। ये देखो भाई, पानी पूरी और चाट की लाइन। अगर लाइन की परवाह किया तो पानी पूरी बुरा मान जाएगी। मुंबई से है तो पानी पूरी बनता है हमारा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो टाइटल देखकर पता चल गया होगा हम क्या करने जा रहे हैं। सो बेसिकली आज हमने सोचा कि क्यों ना आपको हर बड़ी दुनिया के हर बड़े शहर में जैसे एक इंडियन पार्ट होता है, लाइक वहाँ पर सब इंडियन लोग होते हैं, दुकानें इंडियन होती हैं, स्वीट्स इंडियन होते हैं, रेस्टोरेंट इंडियन होते हैं, वैसे यहाँ पर एक हैरिस पार्क नाम की जगह है सिडनी में। तो वहाँ पर आपको अब जाओगे तो आपको लगेगा नहीं आप देश के बाहर हो, आपको लगेगा अरे यहीं पर हैं। अगर आप कुछ चीज़ें इग्नोर कर दोगे तो साइन वाइन वगैरह तो हाँ, देखो ये अंकल जैसे अपने इंडिया में होता है ना वाचनालय में अंकल लोग बैठे रहते हैं, एग्जैक्टली वही आपको पूरा इंडियन फील आएगा यहाँ पर। तो आपको सब दिखाएंगे हमारे सामने। आपको ये दिख रहा होगा राधे, इसका नाम राधे सुपर मार्केट है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हमारी थोड़ी शॉपिंग भी हो जाए यहाँ पर और आप लोग को भी यहाँ के जो लिटिल इंडिया है उसका टूर दे दें। और ये पूरे यहाँ ये एरिया को पूरा हैरिस पार्क कहते हैं। आपको अगर इंडियन स्वीट्स चाहिए तो ये बहुत बेस्ट जगह है वहाँ लेने के लिए। हमने दिवाली वगैरह में यहाँ से और यहाँ से भी और स्वीट खरीदे थे। चलिए आपको दिखाते हैं, पूरे एरिया का टूर कराते हैं और हम अपनी थोड़ी शॉपिंग भी निपटा लेते हैं यहाँ से। लेट्स हैव अ लुक, आपको बहुत मस्त लगेगा। हमें एक फ्रेंड से पता चला कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चीप में यू गेट ग्रॉसरीज। तो भी हम चेक करते हैं कहाँ पे है। पठान नाम की एक तो दुकान है ग्रॉसरी की और वो एरिया बहुत अच्छा लगता है, लाइक प्योर इंडियन वाइब्स यहाँ पर, यार मज़ा आ जाता है भाई। ये क्या इंसान को अपना मार के पैदा कर रहे हैं क्या? अलग शक्ल में अलग में प्राइस देख लो यार, हद है यार, इतना प्राइस कौन लेता है, कमाल है यार। ये देखो यहाँ पे, ये सामने राजवाड़ी कोई तो स्वीट शॉप है, ये पूरा यार इंडियन कम्युनिटी है। वो सामने देसी कसाई वो बुचर शॉप है, आपको वहाँ मीट वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है, फिश वगैरह। ये पूरा इंडियन से भरा हुआ स्ट्रीट है यार, बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ पर, प्योर इंडियन वाइब्स है यहाँ पर। अरे वो स्ट्रीट भी तो ना बिजी है ना, स्ट्रीट कितना बिजी है वो भी तो है। आ रही है देखिए ना पूरी इंडियन वाइब्स, लग ही नहीं रहा कि हम ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त। मतलब मैं आपको अपनी शक्ल क्या दिखा रहा हूँ, मैं आपको एरिया दिखाता हूँ यार, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्लू 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 बार्बर, कितना ब्यूटीफुल है यार ये रेस्टोरेंट। चूलो चूल्हा शायद, सॉरी ये है लाजवाब। हम लोग ने इतना व्लॉगिंग कर चुके हैं लेकिन इतना असहज मैंने कहीं महसूस नहीं किया जितना यहाँ पे कर रहा हूँ। सबको हमारी भाषा पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो पता है। ये भाई ये लिटिल इंडिया सुपर मार्ट, पता जो लोग सिडनी में उनको तो पता होगा एरिया कितना फेमस है, लेकिन अगर आप कभी आते हो घूमने के लिए तो आपको ऑथेंटिक इंडियन फूड खाना है या स्वीट्स खाने हैं, दिस इज द प्लेस यू हैव टू कम। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। अपने इंडिया में कैसे पानी पूरी के लिए लाइन लगती है भाई, वैसी लाइन यहाँ लगी हुई है पानी पूरी चाट वगैरह के लिए। ये देखो भाई पानी पूरी और चाट की लाइन। हम सोच रहे यार हम इतने टाइम हो गया हम यहाँ पे कोई आए नहीं, हम खाली वो स्टेशन के पास से निकल जाते थे थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग करके, यहाँ कभी नहीं आए। आना चाहिए था, नहीं अच्छा नहीं आया, वरना और खर्चे कर देते हम यहाँ पे सब खा पी के यहाँ पर। ये एक इंडियन स्वीट शॉप या रेस्टोरेंट है, ये आजू बाजू दो ग्रोसरी शॉपिंग इंडिया बाज़ार और पठान सुपरमार्केट। तो आपको यहाँ हर चीज़ मिल जाएगी यार इंडियन। अरे कितना ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है यार, पंजाबी फ्यूजन सो गुड। मतलब अगर आप यहाँ पे आ जाओगे ना थोड़ा इस और इंडिया में सिडनी वगैरह घूम के, यू विल फील लाइक यू आर इन इंडिया।
बताइए, दिस इज दैट ऑथेंटिक। क्या बोलते हैं? मैंने बहुत पहले अब जाके बहुत दिनों बाद किसी रेस्टोरेंट के आगे दिखा लिखा 100% प्योर वेज। हाँ ये देसी। हाँ आपको वेज खाने की यहाँ बहुत मारामारी होती है तो उसके लिए बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन यू कैन कम, जो आपको खाना है आपको हर चीज़ मिल जाएगी, इंडियन स्वीट से लेके छोले भटूरे पानी पूरी चाट एवरीथिंग। कहाँ रह गए? जाने का मन नहीं है? भाई साहब क्या खाने की खुशबू आ रही है ना, बता नहीं सकते, ऐसा हम भूखे हैं पर सही है यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब 7-8 मंथ्स हो गए हम यहाँ पे, अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इसी एरिया में, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। स्टेशन के पास तो कई बार आए हैं पर ये मिस हो गया। फिर हम सोच रहे हैं यहाँ कुछ खा पी लेते, यहाँ पे आया और पानी पूरी वगैरह नहीं खाया तो फिर क्या ही मतलब है ना। लेट्स हैव समथिंग। अरे मोमोज प्रेमियों के लिए मोमोज भी है यहाँ पे। ये क्या नाम है इसका? मैट डाउन अंडर बार एंड ग्रिल। और एक कहावत है ना, जहाँ लाइन ज़्यादा होती है वहाँ पे खड़े हो जाने का खाने के लिए, मतलब वहाँ का खाना अच्छा है। तो आपको हमने दिखाया था लंबी लाइन वाली, वहीं पे खड़े हो गए अभी आके। भाई पानी पूरी का कितना क्रेज़ है यार, है ना ये मुंबई का पाव भाजी बनता हुआ क्या मज़े से बना रहे हैं भाई। पानी पूरी ना हुआ ये तो राशन की लाइन हो गई है और हमने डिसाइड किया कि हम एक पानी पूरी और एक पाव भाजी लेंगे। यहाँ पाव भाजी ट्राई नहीं की है यहाँ की ना, इस बार ट्राई करेंगे। तो भाई भीड़ देख रहे हो, डिमांड है भाई पानी पूरी की। अपनी अलग औकात है पानी पूरी की, पानी पूरी अपनी अलग पहचान है। मतलब ऐसा होता होगा ना कहीं, अगर इसका वो होता होगा क्या? लाइन में खड़े होते हैं सबसे आगे पानी पूरी खड़ा होगा सबसे आगे। हाँ। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब लाइन की परवाह किया तो पानी पूरी बुरा मान जाएगी। मुंबई से है तो पानी पूरी बनता है हमारा। नहीं 10 मिनट हो गए यार, एक बात समझ में आई, लाइन लंबी उसका तो ये नहीं कि वो अच्छा ही हो, उसका सर्विस लो क्या समझे, ये हो सकता है। नाइन फ्लेवर पानी पूरी है उसमें चूज करने में भी। हाँ भाई नाइन फ्लेवर सब पानी पूरी है यहाँ पे, जहाँ से आप सिर्फ दो चूज कर सकते हो अपने लिए जो आपको पसंद हो। एक्स्ट्रा का पैसा लेंगे क्या लोग? क्या ही करेंगे ऐसा पानी पी के। हाय कैन आई गेट वन पानी पूरी एंड वन पाव भाजी विद वन एक्स्ट्रा पाव? वन एक्स्ट्रा पाव या वन मिंट एंड स्वीट एंड स्पाइसी। तो पानी पूरी कैसे, आप कैसे आपने ज़्यादा भर के यहाँ खिलाते नहीं हैं, आपको दो बॉटल में फ्लेवर दे देंगे और प्लेट में आपको भर के मसाला दे देंगे पानी पूरी के अंदर। तो दिस इज हाउ इट इज, ये हमारे फ्लेवर्स है और ये हमारा पानी दूसरे पानी से गले मिल रहा है। चलो इसको ट्राई करते हो, देखते कैसा है यार, आई होप अच्छा हो। बढ़िया है पर थोड़ा सा मीठा कम है ना, थोड़ा मीठा होना चाहिए। तो और सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, जो मैंने खाया था पहले वो मिंट था, स्वीट एंड स्पाइसी यहाँ पर है, ये मीठा होगा। बहुत बढ़िया है ये, बहुत मस्त था भाई, सब मज़ा आ गया यार। चलो ये ख़त्म करते हैं और पापा जी का वेट करते, फिर आराम से खाते वरना पापा जी के लिए वेट करना पड़ेगा। वो बटर में डूबा हुआ पाव देख के मज़ा आ रहा है, देख के भाई पाव भाजी भी आ चुकी है, लुक्स सो गुड। अभी खा के इसका रिव्यू देते हैं। चलो पहले आप खा के बताओ कैसा लग रहा है, करो ना पहले करो, ऐसे पहले थोड़ा भाजी टेस्ट। एक मिनट रुको, कैसा लग रहा है? बढ़िया पाव भाजी ऐसा, मतलब अच्छा लग रहा है पाव भाजी ऐसा। चलो मैं भी खा के बताता हूँ यार कैसा लग रहा है ये।
बीवी ने ये बोल दिया तो अच्छा ही होगा, पर स्टिल खुल गया मेरे, ऐसा टेस्ट है। हाँ ठीक है, मतलब वो पानी पूरी खा के अच्छा वो तीखा लग रहा है और इसका भी टेस्ट है। संभाल के खाओ, क्वांटिटी बजा लो। ओह वाओ, दुनिया भर का ना, रियली गुड। इसके लिए रैंक आई एम फ्लैबरगास्टेड, सच में बहुत मस्त है यार। चलो अभी वेट नहीं कर सकता, कैमरा बंद करके खाता हूँ इसको फटाफट। भाई साहब जो फीलिंग आ रही है ना पाव भाजी खाने के बाद, ओए ओए, कांट टेल यू इन वर्ड्स। चलो ये तो हो गया, नेक्स्ट स्टॉप है हमारा मोमोज खाने का, पर उससे पहले हमको थोड़ा शॉपिंग करनी है, दुकान ना बंद हो जाए तो शॉपिंग कर लेते पहले, उसके बाद चलते हैं। पर फिर भी अपने थोड़े 10 बजे तक रुकेंगे यहाँ पे, जितना जल्दी हो सके कर लेते ना, उसके बाद जाते हैं। भाई साहब ये भाजी गवर $18 की है यार, अपने इंडिया में जल्दी कोई खाता नहीं है। गवार नहीं, अब ये ग्रेजुएट हो चुका है समझे। हाँ ये गवार नहीं है, ये ग्रेजुएट गवार है। चलो जैसे अपने होते हैं ना इंडिया के किराना स्टोर्स में बकेट में रखे रहते दाल चावल भाजी जो भी है, देखो उसी हालत में है सब, मूंग दाल चना दाल। ये अच्छा है, पैकेट खरीदना नहीं पड़ेगा, है ना, जितना जरूरत है जितना जरूरत है उतना ले लो। राजमा है घर पे? हाँ हाँ। चलो बाकी ये पूरा मसाले का सेक्शन है। ऑल राइट गाइस, शॉपिंग वॉपिंग हो गया हमारा, जो भी भाजी वाजी लेनी थी, अब चलते हैं हम मोमोज खाने के लिए। भाई बहुत मोमोज, मुंबई में तो मैं इतने मोमोज पीलता था ना, मैं क्या बताऊँ कि ये मेरे बाजू में चलती हुई देवी जी मुझसे तंग आ जाते थे, इतने मोमोज क्यों खाते हो। आज तो मैं खाऊंगा भाई तोड़ के मोमोज, तो पर वेज मिलना चाहिए। चलो चलते हैं मोमोज खाते हैं। क्या पता नहीं, मेरे को पता नहीं भाई, मेरे को जो मुंबई में 50 रुपए के मोमोज महंगे लगते थे ना, यहाँ तो भाई साहब 600-700 का एक प्लेट है मोमोज का। क्या करें, चल रहे क्या वापस, नहीं खाते हैं। अरे फ्राइड राइस भी है, वो भी कर सकते हैं, फ्राइड राइस जो मन करे। भाई इंटीरियर थोड़े से अच्छे हैं, अजीब से हैं पर अच्छा लग रहा है, प्लेट्स वगैरह लगा के। प्योर इंडियन वाइब्स, गाने वही बज रहे हैं, सब मज़ा आ रहा है। सुबह हमारा राइस आ चुका है, मोमोज का वेट कर रहे हैं। तो हमने क्या लिया है अपन ने, फ्राइड मोमोज, जो मेरे को फ्राइड फ्राइड वो फ्राइड मज़ा आता है, स्टीम इतना मज़ा नहीं आता। चलो शुरुआत करते खाने की, फ्राइड मोमोज भी आ चुके हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद खाने का ना मोमोज खा रहे हैं अपन। चलो ट्राई बताओ, ट्राई करके कैसा लग रहा है। हाँ ये तो मेरा ट्राई करना बनता है, ये मेरा फेवरेट है। पत्तियाँ खाओगे? क्या देख रहे थे अपने को, सफ़ेद चटनी में होनी चाहिए, जो लोग कहते हैं ना सफ़ेद वाली चटनी, वो नहीं होगा इनके पास। गुड, और वो चीज़ वाला मोमोज होता ना और मज़ा आता था, चिली चीज़ मोमोज। गरम भी है, गरम है पर बढ़िया है भाई, बढ़िया है, थोड़ा चीज़ होता ना मज़ा आ जाता था। ये अंडे नहीं लगे इसके ऊपर? कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये। भाई साहब अब तक लाइन लगी हुई है यार यहाँ पर, हद है। तो अभी हम चल पड़े घर की तरफ यार, सब कुछ ले लिया है, खाना बहुत बढ़िया था, पैसा वसूल पूरा। थोड़ा सा मोमोस हमें लगा है थोड़ा सा कॉस्टली है, लाइक $8 के आसपास होता ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो, लाइक कितना था वो,
$12-$13 मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव लगा हमें, शायद वापस ना जाए वहाँ पर। पर खाना बढ़िया था, खाने के लिए जा सकते हैं, पर प्राइस देख के अगर जाना हो तो शायद ना जाए। पर खाना लाजवाब था, फुल टू पैसा वसूल। ऐसा नहीं लग रहा है अपन जब मुंबई में वो दादर वादर के इलाके में जाए हाँ। थोड़ा भीड़ भड़ा का इलाका रहेगा, तो वैसे ही लग रहा है हाँ, बस एक, एक रात को और जाना आ गई एक्चुअली पूरे एरिया में बस। लेकिन एक फर्क है कि यहाँ पर वैसे भीड़ थे, लेकिन बस यही मतलब ऐसा है ना, जब तक चार कद्दे धक्का ना लगे हाँ, भीड़ नहीं बोलते उसको, जब तक चार कद्दे धक्का ना लगे मतलब भीड़ हो कि भीड़ नहीं है रात को और भी अच्छा लग रहा है यार। रात ये थोड़ा और देर से आना चाहिए था अपने को, हम लोग मैं बोल रहा हूँ ना कि 10 बजे तक चालू रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है हाँ। और एक्चुअली कैसा है कि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ना मॉल वॉल देखोगे वो बंद हो जाएगा 6-7 बजे तक, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया है यहाँ के शॉप्स वगैरह भाई चालू रहते हैं, खासकर होटल्स 10 बजे तक रात को। ये तो कुछ तो हो रहा है यार, कहा था ना यार पूरा इंडियन वाइब आएगा यहाँ पे, फुल इंडियन वाइब है। और हम इंडियन जैसा जहाँ कहीं भीड़ हो रही है आप अपनी खड़ी हो जा रही, क्या चल रहा है इसका तो वो हो गया, आग लगे बस्ती में या अपने मस्ती में। पुलिस को भी कुछ करने का नहीं है इनको अलग मजा आ रहा है यहाँ पर। कौन पार्टनर मिला इसको, ये पूरा एरिया रात को और मस्त लग रहा है यार। वो अभी भी चालू है, अभी भी चल रहा है। अच्छा वो कोई तो फॉरेन लेडी भी है, वो भी नाच रही साथ में। यही तो कर देते ना, दिया रहेगा देखो। लगता है इन भाई साहब की वाइफ हो गई है। और ये बहुत ही नज़दीक है, ये देखो यहाँ से ट्रेन जा रही है, सामने यहीं पे स्टेशन है हैरिस पार्क का, तो काफ़ी नज़दीक। हे यू गाइस आर गुड। ऑलराइट गाइस, तो इसी नोट पे ये ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो
और आपको दिखा होगा कि जो सिडनी में जो इंडियन कम्युनिटी है वो कहाँ रहती है, वहाँ का माहौल कैसा है, दुकानें वगैरह, स्वीट्स, म्यूज़िक, आपको पूरा इंडियन वाइब आएगा ये एरिया में। दुनिया में जैसे हर बड़ा शहर होगा, लंदन ले लो आप, न्यूयॉर्क ले लो, वहाँ पर सिंगापुर ले लो, वहाँ लिटिल इंडिया होता है, जैसे सिंगापुर में एरिया लिटिल इंडिया वैसे ही है ये। तो आपको यहाँ फुल टू इंडियन वाइब आएगा। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं भी किया तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, है ना। और वो जो आपने कपल देखा था पीछे, वो हम जैसा मिले हमने कॉम्प्लीमेंट किया कि यू गाइस वर गुड, लेकिन गलती से मेरा कैमरा मेरे तरफ ही रह गया था क्योंकि हम ये एंडिंग रिकॉर्ड कर रहे थे तो शूट नहीं हो पाया, पर खैर कोई बात नहीं। तो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको बहुत मज़ा आया होगा देख के कि ये एक्चुअल लगेगा नहीं देख के एक्चुअली कि कोई बोलेगा नहीं कि अगर सिडनी है तो लगेगा कि वो सिडनी है, इंडिया इंडिया ही लगेगा। अभी पीछे म्यूजिक चल रहा है एक्चुअली, और पक्का इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा इसके ऊपर, एकदम बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा है एक्चुअली। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस। ये कितना सुंदर लग रहा है यार, झमेल को झमेला कर दिया है क्या बार में आने के बाद झमेला होता है ना, तो बोला झमेल मज़ा नहीं आएगा, झमेला मज़ा नहीं आएगा, झमेल कर देता हूँ मैं उसको।